हेलो फ्रेंड्स, मैं सफीर रहमान और आप लोग देख रहे हैं आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिन जिन शिक्षक एवं विद्यार्थियों के स्टडी सेंटर बहुत ही दूर दी गई है, उन सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए न्यूज़ ने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है कि अगर आपके स्टडी सेंटर आपके ब्लॉक में नहीं दिए गए हैं, आपके अलॉटेड स्टडी सेंटर बहुत ही दूर दी गई है, तो आपके स्टडी सेंटर मनपसंद स्टडी सेंटर पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी स्टडी सेंटर बहुत ही दूर दी गई है और आपके ब्लॉक में बहुत सारे स्टडी सेंटर है, तो आपके ब्लॉक में से कोई भी एक स्टडी सेंटर आप चुन सकते हैं। साथ ही न्यूज़ ने यह भी बताई है कि एक फॉर्म जारी की है आपको स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए, वो फॉर्म आपको पहले भरना है। तो यहाँ पर अगर न्यूज़पेपर में हम देखें तो यहाँ पर बताई गई है नज़दीक सेंटर में प्रशिक्षण ले सकेंगे डीएलएड प्रशिक्षु, और साथ ही यहाँ पर डिटेल्स में बताई है कि डीएलएड प्रशिक्षक के लिए अच्छी खबर है। जो डीएलएड प्रशिक्षक अपने स्टडी सेंटर के दूर होने से परेशान थे, वो अब अपने नज़दीकी स्टडी सेंटर पर जा सकेंगे। इसके लिए एनआईओएस की और एक फॉर्म जारी की गया है जिस पर डीएलएड प्रशिक्षक अपने मन से ही स्टडी सेंटर का नाम भर दे सकता है। एनआईओएस की ओर से शुरू किए डीएलएड प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को स्टडी सेंटर आवंटित किए गए थे, लेकिन इन स्टडी सेंटर को लेकर कई ऐसे प्रशिक्षु हैं जो दूर होने की वजह से इससे खुश नहीं थे। वो लगातार नज़दीक का स्टडी सेंटर देने की मांग कर रहे थे। प्रशिक्षुओं की इस मांग को देखते हुए एनआईओएस ने प्रशिक्षुओं के लिए नई व्यवस्था की है। इसके लिए प्रशिक्षु को एक निर्धारित फॉर्म भरना है जिसमें वर्तमान के जिस स्टडी सेंटर पर वो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसका नाम और जिस स्टडी सेंटर पर वह प्रशिक्षण लेना चाहता है उसका नाम अंकित किया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है जिसमें प्रशिक्षकों को वर्तमान स्टडी सेंटर और जिस पर वो प्रशिक्षण लेना चाहता है उसी स्टडी सेंटर की अनुमति लेनी होगी। डीएलएड प्रशिक्षण का करियर देख रहे राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि प्रशिक्षक ये फॉर्म को एनआईओएस की साइट से भी डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा उनकी ओर से भी यह फॉर्म केंद्रों को भिजवा दिया गया है, वहाँ से भी यह फॉर्म को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आपकी स्टडी सेंटर आपके ब्लॉक में नहीं है, आपकी स्टडी सेंटर चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके ब्लॉक में लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक फॉर्म भरना है और उस फॉर्म में अभी आप जहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिस स्टडी सेंटर पर आप जितने सारे करियर है आप वहाँ पर कर रहे हैं, उस स्टडी सेंटर का नाम आपको वो फॉर्म में भरना है। साथ ही उसी स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर की भी आपको अनुमति लेनी होगी। और साथ में ये भी बताई है कि जिस स्टडी सेंटर पर आप जाना चाहते हैं, जिस स्टडी सेंटर पर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उसी स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर है उसी स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर के भी आपको अनुमति लेनी होगी। उसके बाद आप स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टडी सेंटर के चेंज करने की बात हो रही है, ये सिर्फ आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको आपके जो अलॉटेड स्टडी सेंटर अभी दिए गए हैं उसी स्टडी सेंटर पर आपको आपके जो जितने सारे प्रशिक्षण होगी या फिर असाइनमेंट SBA WBA जितने सारे करिए हैं सभी करिए आपको अभी तक के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको अलॉटेड स्टडी सेंटर पर ही आपको करनी है। अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए स्टडी सेंटर को चेंज करें तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और यह फॉर्म आपको NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूं, वहां पर आप क्लिक करके जो ये फॉर्म है ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने सारे स्टडी सेंटर है सभी स्टडी सेंटर पर यह फॉर्म भेज दी गई है, आप वहां से भी यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वह फॉर्म दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको वो फॉर्म फिलअप करना है। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म न्यूज़ के तरफ से प्रोवाइड की गई है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केंद्र देहरादून। तो ये फॉर्म जो है ये बेसिकली देहरादून के है। अगर आप देहरादून से बिलोंग्स करते हैं तो आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरे जगह से बिलोंग्स करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी एडिट करनी होगी, लेकिन आप चाहे तो आपकी स्टडी सेंटर पर जाके आप फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से बताई गई है कि सेवा में क्षेत्रीय निर्देशक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केंद्र देहरादून उत्तराखंड, महोदय मेरा रेफरेंस नंबर। तो आपको यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डालना होगा आपके एनरोलमेंट नंबर, और उसके बाद यहाँ पर बताई गई कि कारण से अपने अध्ययन केंद्र बदलना चाहती हूँ। अध्ययन केंद्र बदलने का कारण स्पष्ट करें। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर रीज़न आपको यहाँ पर डालनी है कि मेरा जो स्टडी सेंटर है वो बहुत ही दूर है, घर से पहुँचने के लिए ज़्यादा वक्त लगती है। साथ ही आप यहाँ पर कुछ ऐसे भी डाल सकते हैं कि मेरा
जो है मेडिकल इशू भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और नीचे जो यहाँ पर दो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर वर्तमान अध्ययन केंद्र, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, आपके वर्तमान अध्ययन केंद्र का नाम लिखना है, अध्ययन केंद्र संख्या, अध्ययन केंद्र का नाम, तो आपको यहाँ पर अध्ययन केंद्र का संख्या और अध्ययन केंद्र का नाम लिखना है। और यहाँ पर राइट साइड में जो दिख रहा है आपको बॉक्स, यहाँ पर लिखना है नवीन अध्ययन केंद्र, मतलब आप जिस अध्ययन केंद्र में आपके जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम है, सेकेंड सेमेस्टर के जितने सारे प्रशिक्षण है, SBA WBA जो भी है, आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए जिस स्टडी सेंटर पर परिवर्तन करना चाहते हैं उसी स्टडी सेंटर का यहाँ पर संख्या लिखना है, और साथ ही यहाँ पर आपको अध्ययन केंद्र का नाम भी लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आवेदन का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, तो यहाँ पर आपका जो नाम है, आपके नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको इस बॉक्सेस में लिखना है। छोटे छोटे जो बॉक्सेस यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। DLED परिचय पत्र की छाया प्रति संलग्न करें, तो DLED जो परिचय पत्र है, आप लोगों की जो आइडेंटिटी कार्ड है, वो आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पर चिपकाने होगी। तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म के साथ आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड, साथ ही जो आप लोगों के एलोटेड स्टडी सेंटर के जो कार्ड दिए गए थे न्यूज़ की तरफ से, उस कार्ड को भी आपको यहाँ पर एक साथ जमा करना है। स्कूल का नाम, जिस स्कूल में अभी आप करियर रहते हैं उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जनपद का नाम, यहाँ पर जनपद का नाम आपको भी लिखना होगा, और साथ ही मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर देनी है। और यहाँ पर जो नीचे तीन बॉक्सेस है, यहाँ पर देखिए वर्तमान अध्ययन केंद्र की संस्कृति, नवीन अध्ययन केंद्र की संस्कृति, और जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक की संस्कृति। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करनी है, यहाँ पर अभी जो आपके एलोटेड स्टडी सेंटर है, वो एलोटेड स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर यहाँ पर, कोऑर्डिनेटर जो है वो कोऑर्डिनेटर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, साथ ही नवीन अध्ययन केंद्र की संस्कृति। तो यहाँ पर जो जिस स्टडी सेंटर में आप चेंज करना चाहते हैं उसी स्टडी सेंटर का पर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, कोऑर्डिनेटर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, साथ ही यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और नीचे यहाँ पर बताई गई है कि नियम या शर्तें, तो नियम शर्त यहाँ पर बताई गई है, DLED अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 है। तो 31 मार्च 2018 के अंदर आप आपके स्टडी सेंटर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए। DLED अध्ययन केंद्र परिवर्तन तभी संभव होगा यदि नवीन अध्ययन केंद्र में कुल अभ्यर्थी संख्या 100 से कम होगी। अंत नवीन अध्ययन केंद्र में समन्वयक इस शर्त को अधीन भी संस्कृति प्रदान करें। तो यहाँ पर यह भी बताई गई है कि आप जिस स्टडी सेंटर पर चेंज करना चाहते हैं, अगर उस स्टडी सेंटर में 100 से कम शिक्षक एडमिशन ले चुके हैं, तभी आप उसी स्टडी सेंटर पर आपकी स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं। तीन नंबर पॉइंट में बताई गई है, जिस विकास खंड में विद्यालय स्थित है उसी विकास खंड के भीतर स्थानांतर किया जाएगा। विकास खंड में अध्ययन केंद्र उपलब्ध ना होने पर निकटवर्ती विकास खंड में स्थानांतर किया जा सकता है, अन्य जनपद में स्थानांतर कदापि नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बताई है कि अगर आपके ब्लॉक में कोई भी स्टडी सेंटर नहीं है तो आप दूसरे ब्लॉक में आपके स्टडी सेंटर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके ब्लॉक में स्टडी सेंटर है तो आप दूसरी ब्लॉक में स्टडी सेंटर आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह अनुमति नहीं दी गई है। DLED प्रथम सत्र की 15 PCP कक्षाएँ समाप्त होने के प्रक्षत ही अध्ययन केंद्र परिवर्तन किया जा सकता है। और यहाँ पर बताई गई है कि आप लोगों के जो 15 दिन के जो PCP है, वो PCP जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही आप अध्ययन केंद्र चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। केवल विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर ही अभ्यर्थी केंद्र परिवर्तन की मांग करें, क्योंकि केंद्र परिवर्तन होने पर परीक्षा फल के अपूर्ण रहने की आशंका रहती है। तो यहाँ पर बताई गई है, अगर आपके पास प्रॉपर रीजन है, आप रियली में आपके जो स्टडी सेंटर बहुत ही दूर दी गई है वहाँ पर जाने में आपको बहुत ही परेशानी हो रही है, तभी आप स्टडी सेंटर चेंज करें, इसके अलावा आप स्टडी सेंटर चेंज ना करें। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, और साथ ही अगर कोई नए दोस्त मेरे इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं उस दोस्त से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा फ्री में मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।